यस बेटा, काइंड्स ऑफ बीक्स से हमारा मतलब क्या है बेटा, बर्ड चिड़ियों की चोंच कैसी होती है, ठीक है। चलिए बेटा, चिड़िया चोंच के बेसिस पे अगर हम चिड़ियों को बीक्स के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो बेटा सबसे पहला होता है स्ट्रॉन्ग शार्प एंड कर्व बीक्स। स्ट्रॉन्ग शार्प एंड कर्व बीक्स मतलब ऐसी चिड़िया जिनकी जो बीक्स होती है वो स्ट्रॉन्ग शार्प और कर्व्ड होती है। कौन सी चिड़िया होती हैं? ईगल, वल्चर, काइट, आउल एंड हॉक्स, ये ऐसी चिड़िया होती है जिनकी जो बीक्स होती है वो स्ट्रॉन्ग शार्प और कर्व्ड होती है। और ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि ये लोग फ्लैश वगैरह खाते हैं, तो इनकी जो स्ट्रॉन्ग शार्प और कर्व्ड बीक्स होती है वो फ्लैश वगैरह को खाने में इनको बहुत हेल्पफुल होती है, बहुत हेल्प करती है, ठीक है। इसलिए इनकी चोंच ऐसी होती है। शॉर्ट, हार्ड एंड हॉर्नी बीक्स। अब देखिए बेटे, छोटी चोंच किसकी होती है? छोटी लेकिन हार्ड और हॉर्नी, ठीक है। पिजन, पीकॉक, स्पैरो और वीवर बर्ड की चोंच ऐसी होती है, ठीक है। अब इस तरीके की चोंच इनको किस चीज़ में हेल्प करती है बेटा? टू पिक अप एंड क्रश सीड्स, ताकि जो ज़मीन में पड़े हुए सीड्स को ये आसानी से उठा लें और उसको तोड़ सकें, सीड्स या ग्रेन्स कुछ भी। द स्पैरोज ऑल्सो यूज देयर बीक्स टू ड्राइव अवे अदर बर्ड्स। इसके अलावा स्पैरोज जो होती हैं वो अपनी बीक्स का यूज़ करते हैं दूसरी चिड़ियों को भगाने के लिए भी। चलिए फिर आते हैं बेटा कर्व्ड एंड हुक्ड बीक्स। कर्व्ड एंड हुक्ड बीक्स बेटा कैसी होती है? थोड़ा सा घूमी हुई चोंच। ये देखिए, तोते की चोंच आपने देखी है ना, बस यही एग्जाम्पल होता है। रेड चिलीज वगैरह खाने के लिए, ग्रीन चिलीज खाने में इसकी हेल्प करता है ये, है ना। फिर लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक्स। लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक बेटा लंबी चोंच होती है, थोड़ा गोल गोल होती है। किसकी किसकी होती है बेटा? हुक की और सनबर्ड की चोंच होती है। इसकी मदद से ये क्या कर लेते हैं बेटा? पेड़ की डालियों के अंदर छुपे हुए इंसेक्ट्स को भी निकाल करके खा लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड चीजल शेप्स। चीजल शेप बेटा किसकी बीक्स होती है? चीजल शेप और स्ट्रॉन्ग वुड पिकर की हैज अ स्ट्रॉन्ग एंड चीजल शेप बीक्स। दिस टाइप ऑफ बीक्स हेल्प द बर्ड टू टैप बॉक्स ऑफ ट्रीज एंड टेक आउट इंसेक्ट्स। मतलब ये ट्रीज की जो बाक्स होती है उसको तोड़ तोड़ करके उसमें से इंसेक्ट्स को निकाल करके खा लेती हैं। इनकी बीक्स इस चीज़ में इनको हेल्प करती है। इसे वुड पिकर की बीक है, बहुत मजबूत होती है, स्ट्रॉन्ग एंड चीजल शेप, ठीक है। चीजल मतलब वो एक नुकीला एक टूल होता है, ठीक है, उसको चीजल बोलते हैं। वैसे चीजल के जैसी इनकी शेप होती है और मजबूत बहुत होती है, तो पेड़ को तोड़ करके उसमें से भी अपने खाने की चीज़ निकाल लेते हैं। ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक्स, चौड़ी और छोटी चोंच। किसकी किसकी होती है बेटा? ये चोंच आपको देखने को मिलेगी जनरली स्वेलो बर्ड की, ठीक है। इसकी बीक ऐसी होती है, बहुत ही सॉफ्ट बीक होती है। दिस बीक इज सॉफ्ट, बर्ड्स माउथ इज़ वेरी स्टिकी इनसाइड। अंदर से इसका चोंच जो होता है बहुत चिपचिपा होता है। ये जब भी किसी फ्लाई को, किसी भी कीड़े मकोड़े को खाती है ना, तो अंदर डायरेक्ट ले जाती है, ठीक है। इट कीप्स इट बीक ओपन टू कैच द फ्लाइंग इंसेक्ट। ये अपनी बीक का यूज़ ही नहीं करती, बस मुंह खुला रखती है, कीड़े अपने आप चोंच से अंदर घुस जाते हैं, चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर का पार्ट जो है वो स्टिकी होता है। ब्रॉड एंड फ्लैट बीक। ब्रॉड एंड फ्लैट बीक बेटा आप सभी लोगों ने डक देखा ही होगा। ये देखिए इसकी बीक कैसी है, ब्रॉड और फ्लैट। द डक्स बीक हैज़ गॉट स्ट्रेनर्स ऑल अलॉन्ग द एजेस, वाटर एंड मड गो आउट थ्रू दीज स्ट्रेनर्स। इसमें क्या होता है बेटा, इसकी छेद होती है, जैसे हमारे नाक में छेद होता है ना, वैसे इसके भी छेद होता है। इसके मुँह से गंदा पानी घुस जाता है, और क्या होता है कि जो भी पानी होता है, गंदा पानी, वो सब यहाँ से निकल जाता है। वाटर एंड मड गो आउट थ्रू दीज स्ट्रेनर्स, इसमें से सारा गंदा पानी बाहर निकलता रहता है। स्मॉल एक्वेटिक प्लांट्स और इंसेक्ट्स रिमेन इन द माउथ। और छोटे छोटे जो भी कीड़े मकोड़े रहते हैं वो मुँह में रह जाते हैं, वो उसको खाने में मदद करते हैं, और जो भी गंदा पानी वगैरह रहता है वो सब यहाँ से बाहर निकल जाता है। अब हम आते हैं बेटा पंजों में। क्लॉज, क्लॉज मतलब होता है पंजे, ठीक है। क्लॉज मतलब क्या होता है बेटा? पंजे। पंजों में आते हैं पर्चिंग बर्ड्स। सबसे पहले बेटा पर्चिंग बर्ड्स, जिनके क्लॉज जो होते हैं कैसे होते हैं बेटा? जैसे आपने देखा होगा कौवे के टूज देखे होंगे, आपने देखा होगा मैना का टू देखा होगा, आपने देखा होगा बेटा स्पैरो का टू देखा होगा। ये टूज कैसे होते हैं बेटा? देखिए बिल्कुल पर्च वाले होते हैं, मतलब ये किसी भी पेड़ पर आसानी से उसको पकड़ करके बैठ लेते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं बेटा? पर्चिंग बर्ड्स, ठीक है। जिनके टूज ऐसे होते हैं वो पर्चिंग बर्ड्स कहलाते हैं। फिर स्क्रैचिंग बर्ड्स, जो अपने पंजों की मदद से पेड़ की डालियों वगैरह में स्क्रैच कर सकते हैं, ज़मीन में स्क्रैच कर सकते हैं, स्क्रैच कर करके उसमें से कीड़े मकोड़े निकाल करके खा लेते हैं। स्विमिंग बर्ड्स, कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं बेटा जिनके पैर जो होते हैं वो वेब्ड फीट होते हैं। वेब्ड फीट मतलब उनके पैर जालीदार होते हैं, वो उनको तैरने में हेल्प करते हैं, इसलिए उन बर्ड्स को हम स्विमिंग बर्ड्स भी कहते हैं। और इनके जो क्लॉज होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? वेब्ड फीट होते हैं। कैसे फीट होते हैं बेटा? वेब्ड फीट, ठीक है। देयर इज वन टू एट द बैक, ठीक है। अब इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? पीछे एक टू होता है, ना। फीट ऑफ डक्स मेक देम वॉक ऑन लैंड इन अ स्लो एंड क्लम्सी वेज। वेडिंग बर्ड्स, बर्ड्स लाइक क्रेन्स, हेरोन्स एंड फ्लेमिंगोज, इनके वेडिंग बर्ड्स, इनको वेडिंग बर्ड्स कहते हैं। क्यों? दे हैव अ लॉन्ग लेग्स विद स्प्रेड टूज, इनके लंबे लंबे पैर होते हैं। आपने देखा ही होगा क्रेन पैर कैसे होते हैं, लंबे लंबे, ठीक है। इसके बाद बेटा फ्लैश ईटिंग बर्ड्स, जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होती हैं बेटा आपको पता ही है, ईगल, वल्चर, है ना। और इसके अलावा ईगल और वल्चर यही होती हैं जनरली फ्लैश ईटिंग बर्ड्स। इनके जो पंजे होते हैं बेटा वो बहुत ही शार्प होते हैं। कैसे होते हैं? शार्प होते हैं, ये उसकी मदद से दूसरे इंसेक्ट्स को पकड़ लेते हैं। फिर क्लाइंबिंग बर्ड्स बेटा, क्लाइंबिंग बर्ड्स जैसे पैरट है, वुड पेकर है, इनके जो क्लॉज होते हैं वो क्लाइंबिंग में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है बेटा। हाँ बेटा, क्लाइंबिंग बर्ड्स में आते हैं। क्लाइंबिंग बर्ड्स का मतलब बेटा जैसे कि पैरट है, वुड पेकर है, ये क्या होती है बेटा? क्लाइंबिंग बर्ड्स। दे हैव टू टूज,
पॉइंटिंग टूवर्ड्स एंड टू टूज पॉइंटिंग अपवर्ड्स। इनके दो टूज होते हैं वो आगे की तरफ होते हैं और दो टूज होते हैं जो पीछे की तरफ होते हैं। इसकी मदद से क्या करते हैं बेटा, किसी भी पेड़ की छाल पर आसानी से चढ़ जाते हैं, किसी भी पेड़ की डाल पर बड़े आसानी से चढ़ जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं बेटा, क्लाइंबिंग बर्ड्स। ठीक है बेटा, चलिए आपको इसमें हम होमवर्क देते हैं बेटा। आपको क्या करना है, ये देखिए एक बर्ड का पिक्चर बनाना है, ठीक है, और उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स को आपको इंडिकेट करना है कि कौन सा पार्ट क्या कहलाता है, फीदर्स कहाँ होते हैं, क्या कौन सा पार्ट कहाँ होता है। ये आपका बेटा आज का होमवर्क रहेगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।